उरवा बाजार थाने की पुलिस ने इलाज के दौरान महिला की मृत्यु के आरोप में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि 17 फरवरी को वादनी मुकदमा अपनी पुत्रवधु पूजा देवी पत्नी जितेंद्र जो कि गर्भवती थी को प्रसव के लिए केवी मेमोरियल हॉस्पिटल उरवा बाजार जनपद गोरखपुर लाया गया, जहाँ अस्पताल के संचालक संजय तिवारी पुत्र स्वर्गीय केशभान तिवारी निवासी पटहरिया पोस्ट खिरकिटा दीगर थाना गोला जनपद गोरखपुर मेल स्टाफ और डॉक्टर मनीष पांडे अपने टीम के साथ मौजूद थे। उपरोक्त लोगों ने प्रार्थनी के पुत्र वधु का सर्जरी द्वारा डिलीवरी कराने की बात कही, जिसके लिए 50,000 रुपया एडवांस में ले लिया तथा डॉक्टर मनीष पांडे उपरोक्त अपनी टीम के साथ समय करीब 9:30 बजे सर्जरी किया, जिससे पुत्री का जन्म हुआ। सर्जरी के बाद जच्चा बच्चा दोनों ठीक थे। दिनांक 18 फरवरी के सुबह करीब 9:30 बजे पूजा उपरोक्त की तबीयत अत्यधिक खराब हो गई। अस्पताल के लोगों द्वारा प्राइवेट वाहन में बैठाकर जिला महिला चिकित्सालय गोरखपुर रेफर कर दिया। रास्ते में जाते समय पूजा उपरोक्त की मृत्यु हो गई, जिसके संबंध में वादनी के तहरीर पर थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान संजय तिवारी पुत्र स्वर्गीय केशभान तिवारी निवासी भचहरिया पोस्ट खिरकिटा दीगर थाना गोला जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि अब तक की जांच में यह पाया गया कि उक्त अस्पताल वर्तमान में सीएमओ ऑफिस में पंजीकृत नहीं है व इसमें अनाधिकृत रूप से मरीजों का इलाज किया जाता है, जिनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उरवा बाजार थाना प्रभारी सुनील कुमार, उप निरीक्षक राम प्रवेश, कांस्टेबल साहबलाल आदितेश यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव क्रोवर ने कहा, कि पुलिस और प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये जो अनधिकृत रूप से अनरजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स का संचालन किया जा रहा है, उनमें अनधिकृत रूप से इलाज किया जा रहा है, उसके ऊपर लगातार अभियान चल रहा है। कल एक घटना थाना उरवा बाजार से प्रकाश में आई, जहां पर ये जो एक हॉस्पिटल है केडी मेमोरियल हॉस्पिटल, इसमें एक महिला को जो प्रसव में थी उनको एडमिट कराया गया था, वहां पर इनका इलाज और ऑपरेशन किया गया। हालत बिगड़ने पर, ब्लीडिंग होने के कारण हालत बिगड़ने पर इनको आनन फानन में इसको रेफर किया गया, परंतु हायर सेंटर पहुंचने से पहले ही इस इन महिला की मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाने पर इनके परिजनों द्वारा तहरीर दी गई, जिसके आधार पर थाने पर धारा 304 का मुकदमा इस हॉस्पिटल के संचालक संजय तिवारी और इनके द्वारा बताए गए जिस डॉक्टर के द्वारा इलाज किया गया उसके और उसके सहकर्मियों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अभी तक की जानकारी में जो स्वास्थ्य विभाग से मौखिक रूप से जानकारी हुई है, ये जो हॉस्पिटल है ये आज से 2 या 3 साल पहले पंजीकृत हुआ था, परंतु इसका कोई भी रिन्यूअल नहीं हुआ है। आज की डेट में ये पंजीकृत हॉस्पिटल नहीं है, इसमें जो इलाज हो रहा था वो अनधिकृत रूप से हो रहा था। इस संबंध में आईओ को निर्देशित किया गया है कि अपनी विवेचना के क्रम में सीएमओ ऑफिस से इस हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन के संबंध में सभी प्रपत्रों को इसमें उनसे कलेक्ट करें, साथ ही साथ घटनास्थल का निरीक्षण सीओ गोला के निर्देशन में कराए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। घटना में कैसे कैसे घटनाक्रम घटित हुआ है, किसके द्वारा इलाज किया गया, किसकी क्या भूमिका रही है, वहाँ पर क्या क्या दस्तावेज हैं, उन सब के कलेक्शन के लिए भी निर्देशित किया गया है। इसमें आज जो गिरफ्तारी हुई है इस हॉस्पिटल के संचालक संजय तिवारी, इनकी गिरफ्तारी हुई है। इस घटना में और भी जिन लोगों की संलिप्तता होगी उनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।